हेलो माय ओल्ड डियर गाइस, यू आर वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को लेकर बात करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या होती है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी आप थर्ड स्टेप के लिए अपने चैनल को रिव्यू में सेंड करते हैं, तब आपको यह बातें ध्यान में रख लेनी चाहिए। उससे पहले ही आपको सुधार कर लेना चाहिए और आपके मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के अनुसार आपको अपने चैनल पर क्या क्या करना होगा वह मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। और आप अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को पढ़ने के लिए कैसे उस पेज पर पहुंच पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी सही। तो आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहाँ पर आप YouTube पर अगर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज ऐसे लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा ऑप्शन YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज लोड होगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से पेज लोड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपके सामने ओपन होकर आएगा। अब आप नीचे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube क्या कहता है, What we check when we review your channel, यानी कि आपका चैनल जब भी रिव्यू में पड़ा रहता है तो हम क्या चेक करते हैं, YouTube का कहना यह है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन थीम, यानी कि आपके YouTube चैनल का जो मेन थीम रहता है वह YouTube की टीम चेक करती है। अब आपको बता दें, दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं मोस्ट व्यूड वीडियो, यानी कि आपके वीडियो पर सबसे ज्यादा जो व्यूज है उस वीडियो को चेक करती है। न्यूएस्ट वीडियो, जो आपने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर उस वीडियो को चेक करती है। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अदर चीजें भी चेक करती है। अभी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट प्रोपोर्शनल ऑफ वॉच टाइम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह भी चेक किया जाता है, यानी कि आपने अपना वॉच टाइम कहाँ कहाँ से गेन किया है और आपके YouTube चैनल पर आपका वॉच टाइम कैसे इंक्रीज हुआ है। क्या आपने अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपने वॉच टाइम को इंक्रीज किया है या फिर आपने जेन्युइन किया है, यह भी चेक किया जाता है। वीडियो मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब होता है थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, जो कुछ भी है, तो मेटा डेटा का मतलब यही होता है। तो आपके यूट्यूब चैनल पर थंबनेल, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ भी गड़बड़ी हुई, अगर वह यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के अनुसार सटीक नहीं बैठ रही है, तो आपके YouTube चैनल की थर्ड स्टेप को पास नहीं किया जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो कुछ ये स्टेप्स होती है। साथ में आपको ये भी बता दें कि आपको बिल्कुल सटीक तरीके से अपने YouTube चैनल पर काम करना है। और दोस्तों, आपको बिल्कुल भी इधर उधर से अपना वॉच टाइम नहीं लेना है, बिल्कुल जेन्युइन वॉच टाइम आपका जो आ रहा है आपके पास, उससे ही आपको काम करना है। अगर आपने सोचा कि यार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सहायता से मैं अपना वॉच टाइम इंक्रीज कर लेता हूँ, या फिर आपने कुछ भी कर लिया यहाँ पर पेज ओपन कर करके, मतलब बहुत सारे ब्राउजर रहते हैं ऐसे थर्ड पार्टी ब्राउजर्स का यूज करके अपने वॉच टाइम को इंक्रीज कर लेते हैं, वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है गाइस, तो यह काम बिल्कुल ना करें। एंड दोस्तों, आपको यह भी बता दें, अगर आप यहाँ पर YT स्टूडियो में जाएंगे तो आपके जो तीन स्टेप्स होती है वह कंप्लीट होती रहती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दो स्टेप से कंप्लीट हो चुकी है एंड थर्ड स्टेप यहाँ से भी आपको YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के लिए भेजा जा सकता है उस पेज पर। तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं इसी पेज पर, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। तो आपको अपने चैनल को रिव्यू में सेंड करने से पहले यह पॉलिसीज पढ़ लेनी है और सुधार पहले ही कर लेना है, नहीं तो आपके YouTube चैनल को पास नहीं किया जाएगा, रिव्यू पास नहीं किया जाएगा, ओके, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।